तेरा शिट यार, टच हो गई, पता नहीं लगा मुझे। आया ना पेशेंट है भाई, पेशेंट है भाई, ट्रैफिक इतना ज्यादा भाई, हटवा देते हैं, कह रहे भाई पेशेंट है। ये ऐसे लोगों से भाई बहुत गुस्सा रहता है। देखो किया सेल्टस वाला ना एम्बुलेंस के पीछे खींच रहा है कि बस मैं निकल जाऊं भाई किसी तरह। लेफ्ट कर ले, थोड़ी सी लेफ्ट कर ले, उधर कर ले भाई, एम्बुलेंस आ रही है, देखो हटा नहीं रहा बिल्कुल भी, उधर कर ले भाई, निकलो निकलो, आ जाओ अंकल जी रेस लगा लो भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ रेस लगा दे। अरे बाप रे बाप भाई, व्हीली चेक करो भाई की, लो जी भाई सीट सेंटर व्हीली ले लो भाई, लो फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो व्हीली। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस आफ्टर सो लॉन्ग आज हम बुलेट पे आज जाया जा रहा है करोल बाग भाई। नंबर देखो गाड़ी का कितना बढ़िया, 0079। नहीं नीवी तो हैगी है गाड़ी भाई, ये देखो अंदर से देखो, अरे बाप यार ई क्लास की ना एक अलग ही लुक दी हुई है। अभी ना मैंने कल देखी थी सी क्लास, शायद वो मैंने व्लॉग डाल भी दिया होगा, उसका इंटीरियर भाई पूरा टेस्ला जैसा बना दिया, सी क्लास का, सी 200। अब आ रही है ना रिसेंटली मर्सिडीज, उसकी बात कर रहा हूँ। और भाई ठंड आ चुकी है, पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा, ये नहीं समझ आ रही। और ट्रैफिक देखो और टाइम देखोगे तो हो गया 4:30, बस ना खिंचा मार के चलेंगे। और बुलेट का ना आज आज ना आपको साउंड सुनाएंगे, मैंने ना बुलेट का ना साइलेंसर टाइट करवाया, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कैमरे में, ये देखता हूँ जरा। तेरा शिट यार, ओ यार टच हो गई, पता नहीं लगा मुझे ना, एक्चुअली कैमरे को ना एंगल देख रहा था, इस बार दूसरी बार हो चुका है। बुलेट का ना टायर बहुत आ गया यार, जैसे ना सुपर बाइक चलाता हूँ ना, कोई भी बाइक चलाता हूँ ना, तो टायर का इतना इशू नहीं रहता, इसका टायर बहुत ज़्यादा ना बाहर को निकला हुआ, बुलेट का आगे वाला टच हो जाता है। पीछे एम्बुलेंस है, पर एम्बुलेंस निकलवा दी मनी, किधर है ना आंटी जी कैमरे को देख रही है, गाइस फंसी हुई है एम्बुलेंस, ये चेक करो भाई। ये देखो ये ऐसे लोगों से भाई बहुत गुस्सा रहता है, देखो किया सेल्टस वाला ना एम्बुलेंस के पीछे खींच रहा है कि बस मैं निकल जाऊं भाई किसी तरह, एम्बुलेंस वाला फंसा पड़ा है। पेशेंट है भाई, पेशेंट है भाई, ट्रैफिक इतना ज़्यादा भाई, हटवा देते हैं, कह रहे भाई पेशेंट है, हटवा दे भाई फटाफट ट्रैफिक ना, हटवा दे इसको, हटवा प्रीता को भाई, थोड़ी साइड में कर लो, हेलो लेफ्ट कर ले, थोड़ी सी लेफ्ट कर ले, उधर कर ले भाई, एम्बुलेंस आ रही है, देखो हटा नहीं रहा बिल्कुल भी, उधर कर ले भाई, निकलो निकलो भाई, देखो कि एम्बुलेंस का हॉर्न चल रहा है बट वो साइड नहीं होने का नाम ले रहा था, ये लगा दो। और गाइस मैं जा रहा हूँ करोल बाग, मैं भी इसी साइड जा रहा था तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है हेल्प करने में। एम्बुलेंस वाला देखो कितनी फास्ट चला रहा, नहीं है इवली 4 जोन सी है, पावर है इसमें। आप भी रोड पे किसी को देखो ना तो हेल्प कर दिया करो, फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये समझ आ रहा है, एकदम से गाड़ी में साइड कर लिया, समझदार लोग है कुछ। ये देखो इनोवा वाला हटा नहीं रहा बेवकूफ, हटा इसको बोल, लेफ्ट कर ले भाई, लेफ्ट कर लो, लेफ्ट कर लो लेफ्ट, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ध्यान ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ पे ध्यान है इनका, हटाइयो अब करिए साइड, बताओ भाई एम्बुलेंस आती है तो भाई साहब, वो देखो बुद्धा गार्डन बना रहे हैं अंदर गाड़ी के, वो देख आराम से कर रहे हैं, इधर नहीं कर रहे भाई, शुक्र है निकल गया सही रोड पे भाई, लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं होता, वो देखो लग गई गाड़ी मेरे ख्याल से। चलो गाइस एम्बुलेंस अब ना रोड आगे इनको साफ मिल गया, इधर से मैं लेफ्ट हो जाऊँगा नैराणा के लिए। भाई देखोगे ना बुलेट देखो मेरी 80-90 पे चल रही है और कितनी फास्ट चल रही है एम्बुलेंस, मेरे ख्याल से सीधा ही जाएगी। बाकी यार मैं यही वीडियो में ना मैसेज देता हूँ कि हेल्प कर दिया करो भाई, कोई है तो, ये देखो ये भी समझदार था बंदा। चलो भाई वो ऊपर निकल गई, वो देखो इशारा कर रहा, मैं जूम करके दिखा दूँगा कि गाइस आप भी देखो ना कभी एम्बुलेंस से थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, थोड़ी सी मदद कर दिया करो, ये नहीं कि मेरे कैमरा लगा हुआ तो मैं ऐसे कर रहा हूँ,
मेरे कभी कैमरा भी नहीं लगा होता ना, मैं फिर भी कर देता हूँ यार। किसी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है रोड पे होता है कोई, या किसी अंकल की गाड़ी पंचर हो गई है तो मैं यार वैसे ही रुक जाता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स भी साथ होते हैं, मैं फिर भी रुक जाता हूँ। तो अपनी फितरत में है भाई ये चीज़ें ना। हम यहाँ से लेने वाले हैं लेफ्ट, और भाई अपना थोड़ा सा ना लेट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ना आजकल ना ठंड के अंदर अंधेरा जल्दी हो जाता है, और इधर पुलिस वाले ना खड़े हों कहीं मोड़ लिए हैं। यहाँ पुलिस वाले खड़े होंगे खतर देख रहे हैं अभी चाचे ताए हमें, क्योंकि ना आज थोड़ा सा जल्दी में इसलिए मैंने ट्रैफिक सिग्नल ना ब्रेक कर दिया। बाकी आवाज़ भाई कैसी लग रही है बुलेट की एक बार कमेंट करके बताना। और यार कल मैं देखने गया था मूवी रॉक की, जो आई है न्यू मूवी आई थी ब्लैक एडमन, भाई क्या मूवी है। आजकल ना मतलब कि ना जितनी भी मैं ऑलमोस्ट मूवीज देख रहा हूँ ना, जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र भी देखी थी, सारे ना आजकल ना ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन का काम चल रहा है। ये लगा लो मूवी में इतना ज्यादा रोल उनका नहीं है जितना कि एडिटिंग का कमाल है। तो मैं एडमन देख के आया था भाई, प्रॉपर पूरी एडिटिंग थी पूरा, मतलब कि ना बहुत खतरनाक सीन था उसके अंदर। कि हम जितनी जल्दी निकलेंगे ना और उतनी जल्दी वापसी आएंगे, क्योंकि ना मैं ना दो तीन दिन से ना जिम नहीं जा रहा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हो ना तो आप भी स्टोरीज देख रहे होगे कि मैं डोसा खा रहा था कल मॉम डैड के साथ। फास्ट फूड चल रहा है क्योंकि ना दिवाली की भी छुट्टियाँ आ गई थी, उस चक्कर में ना मतलब कि सब ऐसे ही लगे हुए थे। मैं वाटर लेवल कम कर रहा था बॉडी में से, कि अपनी बॉडी का ना फैट कट हो जिससे बॉडी में ना कटिंग आए। तो आपने मेरी फोटो भी देखी कि मैं यहाँ भी लगा दूंगा। 2 months ना बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करा अपनी बॉडी को, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना फास्ट फूड वगैरह छोड़ के ना सिर्फ नॉर्मल हेल्दी डाइट पर रह के मैंने पूरी बॉडी काट दी थी अपनी, जिसके अंदर चेस्ट शोल्डर बाइसेप्स मतलब हर चीज़ की कटिंग आ गई थी, एब्स भी आ गए थे मेरे। मुझे अपने को शौक है मतलब दिखाने के लिए, मैं बॉडी नहीं बनाता कि किसी को मैं दिखाऊँ टी शर्ट उतार के। हालांकि मेरी कभी भी कोई टी शर्ट उतार के वीडियो भी नहीं होगी। अब से ना थोड़े से मैं कोशिश करूंगा कि जिम व्लॉग्स भी आएँ, बाकी थोड़े से ना कामों से हम थोड़ा सा ना फ्री हो जाएँ, फारिग हो जाएँ, उसके बाद आएंगे। कबूतर उड़ रहा है आवाज़ से, आवाज़ सुनो भाई अपना बुलेट की आवाज़ सुनो कितनी बढ़िया। मैंने भाई इधर बोला हुआ कि आपको आवाज़ अच्छे से आए, और आवाज़ पटाखा सुनोगे, पटाखा सुनो, पटाखा कितना बढ़िया आ रहा है देख रहे हो। ये गाइस अभी ना 6वें गियर पे चल रही है बुलेट, क्या कर रहा भाई, ना 6वें गियर पे चल रही है बुलेट, क्या कर रहा भाई, अरे बुलेट क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा, कट मार रहा बता, कमाल होगी भाई तेरी भी भाई, ये जूते खाते हैं ऐसे लोग। फिर आवाज़ सुनो बुलेट की, भाई पटाखे देख रहे हो कितना ज़्यादा तेज मारती है पटाखे, पर इसके पटाखे मेरे बोलने पे ही बजते हैं, मतलब मैं मारूंगा तब लगेंगे नहीं तो नहीं लगेंगे। भाई आगे ट्रैफिक पुलिस वाला जा रहा है, देखो मैंने लाइट कर लिया भाई, कि इनको खबर ना हो जाए कहीं मेरे पीछे पड़ जाए हाथ धो के। ये देखो ये जा रहा है ट्रैफिक वाला, अपाची वर्सेस बुलेट हो गया भाई। अरे अंकल जी रेस लगा लो भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ रेस लगा दे। लोग आए तो खींचते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला रेस नहीं लगाने का मूड में बिल्कुल भी, फसा कर रहा हो यार। और आज ना प्रॉपर व्लॉग ना हेलमेट खोल के ही करूँ, मतलब वाइजर खोल के करूँगा, कि आपको बुलेट की ना आवाज़ बढ़िया से आए। भाई अब जो उनका वेदर हो गया ना, अब सुपर बाइक्स का वेदर आ गया, मतलब प्रॉपर ना अब मज़ा आएगा असली सुपर बाइक चलाने में। ठंड में बहुत मज़ा आता है भाई बाइक चलाने का ना। लो जी भाई गाय खड़ी, वो देखो स्कूटर वाला लगने लगा, देख पैर रख लिया उन्हें नीचे, अभी बढ़ जाता स्कूटर वाला भी गाय पे चढ़ जाता। यार इधर से ना मैं थोड़ा सा स्लो ही रखता हूँ, आज बहुत ज़्यादा गायें आ गई यहाँ पे। अंकल जी उन्हें भोग पै देना सी। चलो भाई यहाँ से सुपर बाइक अपनी लीन कर देते हैं पूरी। ये देखो गायें देखो कैसे खड़ी हुई बीच में। 2-3 चीज़ें परचेज करनी है करोल बाग से। कोई गल नहीं, कहता भाई कैमरे लगे हुए आ गए, तो भाई मेरी बाइक 60 पे चल रही है। और गाइस ये बता दूं, बाइक की स्पीड को नहीं नोट करता है, गाड़ी की स्पीड के लिए लगे हुए हैं, ये भी आपको बता देना। और भाई रॉयल इनफील्ड पे व्लॉग्स आए उसके लिए भी कमेंट कर देना। आप आवाज के मजे लो आज बुलेट को, आवाज़ देखो बुलेट की कितनी बढ़िया आ रही है, मेन आवाज़ के नज़ारे हैं। जो बुलेट से लेने लगे हम राइट, और भाई बिल्कुल सही टाइम पे हमने राइट लिया, और वहाँ से ट्रैफिक छूट गया भाई। हम जा रहे हैं इधर से जाता हूँ, मैं उधर से नहीं जाता क्योंकि ना वहाँ पे ना बत्तियाँ बहुत पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इस साइड से आ जाता हूँ। भाई आज तो पूरा करोल बाग खाली पड़ा हुआ, ये लगा लो भाई इधर ट्रैफिक ही नहीं है आज तो बिल्कुल भी। ये चेक करो भाई, फर्स्ट टाइम हुआ है कि कितने बजे आ रहा हूँ, 5 बजे आ रहा हूँ, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। ये चेक करो, ये आ गए हम करोल बाग, यहीं से मुझे पास से एक सामान लेना है वो पकड़ूँगा,
बैग में डालूंगा, देन फिर आपको ना एक और चीज़ दिखाऊंगा बढ़िया शॉप कहाँ पे गई, यहीं तो थी, ये रही ये रही ये रही, यहाँ से ले जा पकड़ ला, फटाफट जा फटाफट लेके आ जा भाग के जा। एक्चुअली मुझे गाड़ी का कोई सामान लेना था, ये तो भाई टाइम बड़ा लगा देता है कि जल्दी आ जा भाई, अपना काम था छोटा सा वो निपट गया, हमारे काम बस निकलने की देर है भाई, सब हो जाते हैं बस निकलने की देर है एक बारी। ओहो भाई ये देखो, ये है मेन करोलबाग की मंडी। अब ये पास में ही ना पेट्रोल पंप पड़ता है झंडे वाला मेट्रो स्टेशन, वहाँ जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे ना आज आपको ना एक बढ़िया कंटेंट दिखाने वाला है कि दिल खुश हो जाएगा आपका देख के। काफ़ी टाइम से भाई से बात चल रही थी, बोल रहा था पाजी आओ, मैंने कहा भाई मेरा जिस दिन करोलबाग चक्कर लगेगा ना उस दिन ज़रूर आऊँगा तेरे पास, तो इसलिए आज जा रहा हूँ मैं। जी हनुमान जी के दर्शन कर लो भाई, हर किसी बॉलीवुड मूवी में ये दिखेगा आपको, यही होगा, मैंने इसी पेट्रोल पंप पे बुलाया था। लो जी मिल गए। चलो रोहित नमस्कार, हो ठीक है, साइकिल गैंग भाई व्हीली चेक करो भाई की। लो जी भाई चौपी, ओए होए ਸਾਡੇ ਗੋਰੀਏ ਟੱਪ 45 ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ 14 ਲੱਖ ਦਾ।